हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बहुत सारी अपडेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड। इवन एक न्यू मैच भी कंफर्म हो चुका है फास्ट लेन में, एनएक्सटी नो मर्सी भी हो चुकी है, उसको मैंने कवर कर दिया है लास्ट वीडियो में। एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट अपडेट है वो है स्मैकडाउन व्यूअरशिप से। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है गाइस वो है 2 मिलियन से ऊपर ही आई है। बट लेकिन जो नेक्स्ट होने वाला है, अब मतलब डील तो उनकी होने वाली है ख़त्म, तो उसके बाद यूएसए पे जब आएगा स्मैकडाउन तब पता चलेगा कि कितनी रेटिंग आती है स्मैकडाउन की। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग मतलब 2 मिलियन तो आ रही है फॉक्स के, बट बाद में फॉक्स वो रिन्यू नहीं करेगी डील। तो भाई नेक्स्ट अपडेट है गाइस जो है वो है, तो गाइस जो मैच है वो कन्फर्म हो चुका है LWO वर्सेस स्ट्रीक प्रॉफिट एंड बॉबी लैशली। ये जो मैच होने वाला है 3-3 on 3, ये मैच फास्ट लेन में कन्फर्म हो चुका है एंड ये होगा फाइनली फास्ट लेन में, क्योंकि आपको पता है जो स्मैकडाउन में हुआ था मतलब ब्रॉल सी हुई थी इनकी, अटैक कर दिया था, तो उसके बाद ये मैच कंफर्म हो चुका है। एंड गाइस नेक्स्ट अपडेट है MJF से। आपको पता होगा AEW में MJF है एंड वो AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन है। तो गाइस इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक उन्होंने कोई डील साइन नहीं की। इवन लग भी रहा है कि MJF WWE में आ सकते हैं और WWE इंटरेस्टेड होगी। MJF जिस मतलब लेवल के स्टार बन सकते हैं ना, वो WWE बना सकती है उन्हें, जैसे जेडा कारगिल आ गई ऐसे ही MJF भी आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर कुछ पता नहीं है, मीन्स आ सकते हैं, अगर आ गए तो भाई क्या ही कहने। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो है एलिमिनेशन चैम्बर से, और गाइस कोडी रोड्स वो आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में रॉक के ऑपोजिट। एलिमिनेशन चैम्बर जो मैच होगा उसमें रॉक आने वाले हैं एंड कोडी रोड्स, दोनों जो भी दोनों में जीतेगा वो जाएगा रेसलमेनिया में, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतेगा ऑस्ट्रेलिया में वो जाएगा रेसलमेनिया मेन इवेंट करने रोमन रेंज के साथ। तो ये गाइस है अपडेट। और जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डोमिनिक मिस्टीरियो से, वो क्यों लूज़ हो गए, मतलब क्यों उन्होंने लूज़ कर दी चैम्पियनशिप। शायद इससे कोई ना कोई तो बड़ा हिंट है कि रिया रिप्ली आएगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि जे उसो के पीछे पड़े हैं कि वो ज्वाइन कर लें जजमेंट डे। तो मतलब इससे कुछ तो हो रहा है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है या ये चीज़ करने वाली है WWE प्लान से, क्योंकि पहले जो ट्रिक विलियम्स है उनके अकॉर्डिंग मुस्तफ़ा अली होने वाले थे जो चैम्पियनशिप रिटेन करते हैं उनसे। तो भाई मुस्तफ़ा अली ने तो कंपनी छोड़ दी, उसके बाद ट्रिक विलियम्स को उनके कंपैरिजन में लाया गया एंड उन्हें जिता दी की चैम्पियनशिप। एंड गाइस यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा नेक्स्ट रो में, क्योंकि नेक्स्ट रो में हमें बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड गाइस ये अपडेट थी अब तक की। तो गाइस अगर और आती तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच।